भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक में बनेगी चुनावी रणनीति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कांग्रेस ने अंबेडकर को किया अपमानित नगर निगम शिमला व विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है बीजेपी कार्यकाल दीपकमल चक्कर में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य शिमला पहुंचे हैं इस बैठक में प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष जिला प्रभारी व पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं लाल सिंह आर्य ने बताया कि प्रदेश प्रभारी व स प्रभारी के साथ बैठक होगी जिसमें संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार होगी कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी वहीं आगामी छह महीने के लिए मोर्चे के कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे उन्होंने कहा है कि भाजपा की नीतियां दलित करीब पिछड़ी जनजातियों के उत्थान की है मोर्चे में यूपी उत्तराखंड चुनावों में अग्रणी भूमिका निभाई है कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का काम किया है उन्होंने दो बार चुनाव हारने का काम किया है उनका कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया गया दूसरी ओर मोदी सरकार ने उनके पांच राष्ट्रीय स्मारक बनाए हैं देश भर में उनके नाम से विश्वविद्यालय व कई बड़े संस्थान बनाए गए हैं कांग्रेस ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया बाइट लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति है जिसमें बैठकों का भी एक दौर चलता है और उसी तारतम्य में शिमला में आज अनुसूचित जाति मोर्चे के जिला अध्यक्ष जिले के प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें आगामी तीन चार महीने के कोई ना कोई कार्यक्रम बनेंगे चाहे वो जनसंपर्क के कार्यक्रम हो चाहे सम्मेलन के कार्यक्रम हो चूँकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता है राजनीतिक दल है इसलिए चुनाव भी हमारा एक अंग है उसकी रणनीति भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और पार्टी बनाती है वो भी उस पर भी विचार होगा कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी सह प्रभारी भी आ रहे हैं राष्ट्रीय पदाधिकारी आ रहे हैं आने वाले छः महीने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा आगामी कार्यक्रम क्या हाथ में लेगा जिसमें प्रशिक्षण है जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति है जिसमें जनसंपर्क के भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं संगठनात्मक कुछ विषय इन विषयों को लेकर कल राष्ट्रीय बैठक में भी मंथन होगा अनुसूचित जाति का मतदाता है पॉपुलेशन है यहाँ मोर्चा की भूमिका उत्तर प्रदेश में भी रही है उत्तराखंड में भी रही है मोर्चा यानी कि फ्रंट में खड़ा होने वाला राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा है अनुसूचित जाति के सम्मान उसके सशक्तिकरण अनुसूचित जाति जिन्हें अपना महापुरुष मानती है उनके सम्मान और उनकी प्रसिद्धि की दृष्टि से भी बहुत कुछ काम किया है नंबर वन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने सदैव अपमानित किया दो बार चुनाव हराने का पाप किया एक भी राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया और तो और पहले विधि मंत्री को तैंतालीस वर्ष तक कांग्रेस ने भारत रत्न का सम्मान भी नहीं दिया दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी उनके और भारतीय जनता पार्टी पाँच राष्ट्रीय स्मारक बनाती है और मोदी जी उन्हें ईंट गारे का राष्ट्रीय स्मारक नहीं पंच तीर्थ बताते हैं उनको अटल जी अडवाणी के कारण उनको भारत रत्न का सम्मान मिलता है कांग्रेस उनका सेंट्रल हॉल में तेल चित्र भी नहीं लगाती है भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से तेल चित्र भी लगता है और केवल इतना ही नहीं होता है भीम ऐप जारी किया जाता है मध्य प्रदेश में उनके नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जाती है बौद्ध यूनिवर्सिटी भी बनाई जाती है अभी उत्तर प्रदेश में श्रृंगवेश्वर में निषाद राज के नाम से सांस्कृतिक केंद्र अंतर्राष्ट्रीय बनने वाला है काशी में संत रविदास जी के नाम से सांस्कृतिक केंद्र बनने वाला है चित्रकूट में महर्ष बाल्मीकि के नाम से राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनने वाला है और अंबेडकर जी के नाम से बनने वाला है इसका मतलब है कि हमारे लिए अंबेडकर जी हमारे लिए रविदास जी बाल्मीकि श्रद्धा का केंद्र है कांग्रेस ने कभी इनके बारे में विचार ही नहीं किया